चलो आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का। ठीक है, स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन का अगर हम लोग बात करें कि कोई वायर उसको खींच कर लंबा कर दिया या कोई इतना बड़ा वायर है उसको कंप्रेस कर करके छोटा कर दिया, तो इसमें चीजों को बस इतना ध्यान रखना है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए वॉल्यूम तो आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, है ना। वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ये तो होना ही है ना कि ये भी बदल जाएगा, ये तो होना है, जाहिर सा बात है। आपने एक मान लो इतना बड़ा था एक वायर, उसको आपने दोनों तरफ से स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ कि ये इलोंगेट तो हुआ, लेंथ तो बढ़ा, बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घट गया होगा ना, पतला हो गया होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा वायर है और अगर आपने इसको स्ट्रेच करा है, अगर आपने इसको स्ट्रेच करा है तो ये लंबा तो हुआ होगा, इट मे गेट इलोंगेटेड, इट मे गेट इलोंगेटेड, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घटेगा ना। तो भले ही लेंथ इंक्रीज बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, घटा। तो ओवरऑल द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यही की पॉइंट है, ओवरऑल द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। चलो वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके बारे में दो चीज जानो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो होता है ना। इसको दो केस में, तुम्हारे पास पूरा प्रूफ तो है, हम इतना डिटेल में या चलो इसमें चले गए तो चल जाते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, आप क्या करो दोनों तरफ एरिया से मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। मेरा मेन एम क्या होगा, मेरा मेन एम ये होगा कि किसी तरीके से हम किसी एक को, क्योंकि देखो मेरे एक्चुअल फार्मूला में एल भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन के साथ इन दोनों में से कोई ना कोई तो बदलना बदलना है, या दोनों ही बदलता है, कोई क्या दोनों ही बदलना है। तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दें ताकि दूसरे वाले पे हम डिपेंडेंसी देख सकें रेसिस्टेंस के साथ। तो हमने क्या करा, जब दोनों को एल से मल्टीप्लाई करा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम। नाउ दिस इज अ कॉन्स्टेंट, तो अभी साफ साफ दिख रहा है कि नीचे लिख देता हूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। ये हम कैसे बता सके, क्योंकि हमने एक एरिया को कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करा, इसके होने के बाद अभी हमें साफ दिख रहा है कि आर इज एग्जैक्टली टू एल का स्क्वायर, और ये कब यूज करेंगे, व्हेन लेंथ इज गिवन, व्हेन लेंथ इज गिवन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, दोनों तरफ हमने अगर ए से मल्टीप्लाई करा तो ये वाला इस बार कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, वॉल्यूम। देखो यहां हमें लेंथ पे डिपेंडेंसी मिला, यहां हमें डिपेंडेंसी किसमें मिला, अच्छा एरिया पे, रो इज रेसिस्टिविटी ना, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और ये तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या मिला, आर इज इनवर्सली टू वन बाई ए का स्क्वायर मिला। तो ये पॉइंट है कि आपको कन्वर्ट करना होता है किसी एक को कॉन्स्टेंट में ताकि दूसरा वाले वेरिएबल के साथ हम उसका डिपेंडेंसी देख सकें। ठीक है, अच्छा एरिया होता है क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और हमें यहाँ एरिया का स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स 1/r का पावर 4 पे भी डिपेंडेंसी होगा रेडियस का, कोई दिक्कत है बताओ, होगा होगा ना। इस एरिया को हमने पाई आर स्क्वायर करा, पाई इज अगेन कॉन्स्टेंट, तो आर का पावर 4 पे डिपेंडेंसी आया। अच्छा रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई टू, यहाँ पे फिर से टू कॉन्स्टेंट है, मतलब जो फर्क रेडियस में पड़ रहा वही फर्क डायमीटर के साथ भी पड़ेगा, बोलो 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 बोलो। ठीक है, ये वाला बताइए कैसे। देखो ये तो समझ में आ रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/d/2 का पावर 4, अच्छा हाँ, टू ऊपर चला ये जाए। टू ऊपर जाए कहीं जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, टू इज कॉन्स्टेंट तो भूलेंगे सीधा डी का पावर फोर सोचेंगे, हमें तो डिपेंडेंसी देखना है कौन सा वैल्यू निकाल रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर द रेशियो। ओके ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ है इससे सीधा क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इरर्स के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, और इरर के कंसेप्ट को आप जैसे ही यूज करोगे तो आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला आएगा, डेल्टा आर बाई आर रिलेटिव इरर इन रेसिस्टेंस, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज इरर इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 × डेल्टा एल बाई एल × 100। ये कैसे करा हमने,
इसलिए करा क्योंकि आर इज डायरेक्टली टू एल का स्क्वायर। याद करो इरर्स में क्लास 11th में हम लोग जो पावर होता था उसको आगे मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। अगर हम तुमको ऐसा इक्वेशन दें आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए और हम आपको बोले कि ठीक है थोड़ा सा अच्छा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब जेड, और मैंने आपको कहा कि बी में परसेंटेज इधर है 2% का, ए में परसेंटेज इधर है 3% का, और जेड में परसेंटेज इधर है 5% का। तो जरा बताइए परसेंटेज इधर इन जेड एक्स कितना होगा। तो आप क्या करते थे, इस 3 को इसके पावर से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, प्लस इस बी का पावर 3 और उसको इधर से मल्टीप्लाई करा फिर से आया 6, प्लस नीचे हो चाहे ऊपर हो, ऊपर था तब तो ऐड किया, नीचे है तो पावर 1 है, पावर 1 इनटू 5, इन तीनों को हमने जब ऐड करा तो आंसर आया 17%। ये क्वेश्चन याद है? भूल गई? हाँ एक था ऐसा सर टेस्ट में भी दिए थे, टेस्ट तो नहीं दी थी, टेस्ट पेपर तो भेजी दिए, देखी थी उसको? हाँ, था। तो ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये ट्रिक याद रखिएगा। बट वही ट्रिक को हमने यहाँ यूज करा है। इस ट्रिक का लिमिटेशन हम आपसे थोड़ी ना पढ़े। अच्छा हमसे नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, वो टीचर ऐसा वाला नहीं बताता। कोई नहीं, ये तुम हाँ लेट ज्वाइन की थी थोड़ा सा, और उस वक्त हम सारा क्लास रिकॉर्ड भी नहीं किए थे, ये भी याद है। खैर कोई नहीं, ये समझ में आया। बस एक चीज यहाँ ये याद रखना है, इट इज ओनली यूज अप टू 5%। ये ट्रिक आप तब यूज कर सकते हैं जब इरर कितना हो, तो भी चलता है, बट 6 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस पूरे को एक जगह समराइज करें तो हम बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली टू एल का स्क्वायर इज डायरेक्टली टू ए का पावर 2, मतलब इनवर्सली में इज इनवर्सली टू आर का पावर 4 इज इनवर्सली टू 1 बाई डायामीटर का पावर 4। यही अभी तक हमने पढ़ा ना, इसको इम्पोर्टेंट है याद रखना है, ठीक है? अभी इसी ट्रिक को यूज करने के लिए आपके नोट्स में हम 3 तरीका से लिख दिए हैं, रेडियस को लेंथ के टर्म्स में, रेजिस्टेंस को लेंथ के टर्म्स में, रेजिस्टेंस को रेडियस के टर्म्स में, और रेजिस्टेंस को एरिया के टर्म्स में। जो डायरेक्टली था वहां हमने +2 लगाया है, और जो इनवर्सली होगा वहां -, लगाएंगे क्योंकि ओवरऑल वैल्यू घटेगा, ठीक है? ठीक है ना? चलो एक बार कॉपी देख लो, हूं नहीं एक बार कॉपी देख लो। हाँ देख रहे, वही देख रहे। ठीक, क्वेश्चन है। हाँ अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डाउट है ना? नहीं ना। हाँ ठीक, चलो क्वेश्चन का बारी आया तो हम तो सजेस्ट करेंगे अगर वीडियो ऑन कर सकती तो कर ले, ऐसे भी तू अकेले है, और नहीं तो फिर चलो ठीक है देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो के साथ ज्यादा समझ में आता है। कर ले तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है L, उसका रेडियस दिया हुआ है R, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इस, अच्छा एक मिनट, इसका रेसिस्टेंस भी दिया है, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल R, माइंड इट कैपिटल R स्मॉल R में फंसना नहीं है। देन द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इट इज मेल्ट टू फॉर्म अनदर वायर ऑफ रेडियस 2R, मेल्ट टू फॉर्म अनदर वायर ऑफ रेडियस 2R, ठीक है? नाउ व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस, तो उसके बाद R डैश कितना होगा, यही हमने आपसे पूछा है। तो वेरी सिंपल, अभी अभी हमने पढ़ा, आपको क्या चीज के बारे में बताया है? रेडियस मींस कि आपको रेडियस वाला इक्वेशन सोचना है और लेंथ को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना, मतलब वॉल्यूम में। और जब हमने ऐसा करा तो हमें याद आया कि हमने अभी भी पढ़ा है कि आर इज डायरेक्टली टू आर का पावर 4,
मतलब अगर रेडियस दो गुना हुआ है, अगर रेडियस दो गुना हुआ है तो रेडियस डबल हुआ तो रेसिस्टेंस, अच्छा इसके डबल होने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? साफ साफ पता चल रहा है कि इन्वर्सली तो घटेगा। अच्छा एक्चुअल में कितना टाइम्स हुआ? देखो हुआ होगा 2R, बट 2R का पावर 4 कितना होता है? है ना, मतलब अगर आपने रेडियस को, आपने यहाँ रेडियस डबल किया बट इस इक्वेशन के हिसाब से आपका रेडियस कितना टाइम्स हो गया? 16 times. तो ये अगर ये 16 टाइम्स बढ़ा है तो आपका रेसिस्टेंस, आपका नया रेसिस्टेंस 16 टाइम्स घटना चाहिए। एंड दिस इज द आंसर। डबल क्या बोले? यहाँ देखो रेडियस पहले आर था, उसको डबल कर दिया हमने, रेडियस 2R। अच्छा तो 2R यहाँ की है, बट एक्चुअली में यहाँ डिपेंडेंसी कैसे था? R का पावर 4, और आपके पास नया डिपेंडेंसी क्या आ रहा है? 1/2R का पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? 1/16R का पावर 4। तो देखो ये तो सेम है बट ये कितना टाइम्स हुआ है? 1/16 टाइम्स। तो ये 1/16 टाइम्स बढ़ा है रेडियस, तो यहाँ पे 1/16 टाइम्स घटेगा रेसिस्टेंस। That's it. ठीक है? तो चलो अगला हटाऊं इसको, क्योंकि तुम्हारे कॉपी में सब कुछ है, समझ में आ रहा है ना? जब भी न्यूमेरिकल कराएं, जब भी न्यूमेरिकल कराएं तो कॉपी देखते रहो, अगर कुछ लग रहा है कि वहां सर कुछ ऐसा समझा दिए जो वहां नहीं लिखे कॉपी में, तो जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, लिखा हुआ है सब। हाँ तो हम नोट्स अच्छे से ही देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई वायर है, वायर इज स्ट्रेस्ड बाय 30%। अभी आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज बताना है। ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। सोचने वाला बात यह है कि स्ट्रेच करा आपने, मतलब आपने क्या चेंज करा? लेंथ इज चेंज। इनिशियल लेंथ कितना मान लो? L. तो फाइनल लेंथ कितना होगा? 30% और लंबा किया आपने, पहले तो L था, आपने 30% और बढ़ाया, मतलब L प्लस 0.3L, है ना? फाइनल लेंथ कितना होगा? ओरिजिनल प्लस आपने कितना इंक्रीज करा? 0.3 टाइम, तो 0.3 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 1.3L, ये हुआ हमारा फाइनल लेंथ। उसके बाद हम सभी को पता है R इज इक्वल टू L का स्क्वायर, कितना टाइम हुआ ये? 1.3 टाइम, मतलब 1.69 टाइम्स हो गया ये। L स्क्वायर के टर्म्स में अगर बात करें तो कितना टाइम्स हुआ? 1.69 टाइम्स, मतलब सॉरी R होगा, तो फाइनली क्या हुआ? R डैश इज डायरेक्टली टू 1.69 टाइम्स ऑफ R। ये तुमको समझ में आ रहा है इस इक्वेशन से, क्योंकि ये 1.3 है तो उसका स्क्वायर टाइम्स फर्क पड़ा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ। तो, और परसेंटेज चेंज का हम आपको फॉर्मूला बताए कि n माइनस 1 इंटू 100, याद आ रहा है? बताए थे कि जितना गुना हो गया हो, जितना गुना हो गया हो, पहले जितना भी था, पहले r था रेजिस्टेंस, उसके कितना गुना हो गया? 1.69, यही है वैल्यू n का। इसका वैल्यू है n का, n क्या है? कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स हो गया, पहले जितना था उससे कितने टाइम्स हो गया? पहले था r रेजिस्टेंस, इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था r, बाद में रेसिस्टेंस कितना हुआ? 1.69 टाइम्स ऑफ आर, ये हमें इक्वेशन से पता चल रहा है। और परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो निकालने के लिए तरीका सीधा है, जितना टाइम्स हो गया 1.69 माइनस 1, 0.69 इनटू 100, मतलब 69%। ये ट्रिक भी पहला चैप्टर का ट्रिक है, ठीक है? दिक्कत है, एंड इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। हाँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है,
ये आपने स्क्वायर रखा ना यहाँ पे 5% से अधिक अगर होगा तो फिर दिक्कत करेगा, अगर यहाँ 5% से अधिक होगा चेंज तो दिक्कत करेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल है तो ठीक है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन चलें, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या आज, ऐसा नहीं लग रहा ना कि बहुत तेजी में सर उड़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर स्ट्रेस रेडियस को 3% घटाए हैं, परसेंटेज चेंज बताना है। सब बच्चा वाला क्वेश्चन, मजाक कर रहा है, इतने अच्छा नहीं है कि नहीं समझ आएगा तो आपसे पूछेंगे। ये बात तो सही है, इतना तो भरोसा है, जान नहीं छूटना अगर समझ में नहीं आया तो। खैर क्वेश्चन इज कि अ वायर इज स्ट्रेस्ड और स्ट्रेचिंग से क्या हुआ, रेडियस इज डिक्रीज बाय 3%। रेडियस कितना परसेंट डिक्रीज किया, 3%, एंड यू नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, आपको परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस बताना है। देखो हम सबको पता है कि अगर आपने रेडियस को 3% घटाया है तो जो रेसिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से क्या, क्योंकि आपसे परसेंटेज चेंज सीधा पूछ रहा है, आपको परसेंटेज दिया है तब तो उसको देख के मुंह में लालच आना चाहिए कि आपको ये निकालना है। ये परसेंटेज हो गया, वो ना बताए थे ये रिलेटिव एरर और ये परसेंटेज इज इक्वल टू कितना टाइम्स होगा, क्योंकि रेडियस का आप सभी को पता है कि R is 1/r का पावर 4, तो एक तो बात समझ में आ रहा है कि माइनस होगा क्योंकि इनवर्सली है, और चूंकि यहाँ पावर 4 है और जो चेंज है वो 5% से कम है तो आप सीधा -4 इंटू ये कर सकते हैं। नहीं समझ आया, रुक जाओ, ये वाला चीज समझ में आया पहले का बात है, ये माइनस समझ में आया? नहीं नहीं, देखो जब R is directly to L था ना तो यहाँ जो फर्क पड़ेगा वैसा ही सेम फर्क यहाँ पड़ेगा, तो साइन पॉजिटिव का लेते हैं। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी हो तो आपको पता है कि यहाँ अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो यहाँ साइन किसका लेते हैं अभी? ठीक है, ये फोर समझ में आया? नहीं नहीं, यहाँ जब पावर 2 था, देखो यही हम तुमको समझाए थे, जरा पीछे चलो और ऐसा 3 इक्वेशन होगा देखो उसको, वहां तुम लोगों को हम बताए हैं कि चूंकि वहां पे पावर, आप सभी को अभी यही तो बता रहे थे जैसे हाँ। ये वाला जो फॉर्मूला लिए थे a²b³z तो बताए थे कि इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसके एरर में, यही बताए थे ना? हाँ। तो यहाँ पावर 4 है तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा? अच्छा हाँ, 4 ही तरह। ठीक है अभी? ठीक है हाँ। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ अब आपको जरा ये बताओ कि ये दिया हुआ है कि नहीं? हाँ दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है, और आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, मतलब आपको ये पूरा निकालना है, तो बचा क्या -4 × 3 और -12%, इसमें माइनस साइन क्या बता रहा है कि रेसिस्टेंस 12% बढ़ा या घटा? घटेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ एक गलती हो गया, घटेगा क्यों, ये सिंबल -3 आप ले हैं यहाँ, हाँ तो वही लेना होगा ना, माइनस ही लेंगे, ये तो गलत हो गया ना, वही तो गलती हो गया, क्योंकि आपने रेसिस्टेंस को घटाया, सॉरी रेडियस को घटाया है तो कायदे से आपका रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए, और चूंकि यहाँ घटाए हैं रेडियस इसीलिए यहाँ आपको -3 लेना पड़ेगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और यहाँ चूंकि घटा है इसलिए यहाँ वाला माइनस, तो क्या आया, और जो होना भी चाहिए कि रेडियस अगर घटाए हैं, क्योंकि ये रिलेशन होता है, तो अगर ये घटा तो ये बढ़ा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ। नहीं नहीं चलो ठीक है ओके।
कितना क्वेश्चन कर लिया, धनाधन धनाधन दो पेज हो गए। एक दो तीन, कलर कोडिंग, सर्किट कॉम्बिनेशन, सर्किट कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस कहां तक तुमको कलर कोडिंग भेजे कि नोट्स में, कि यहीं तक भेजे थे? इसी क्वेश्चन लास्ट, इसी क्वेश्चन में भेजे थे? नहीं, बहुत सारा पेज अभी अभी तो है ना, पूरा सर्किट एनालिसिस। हाँ हाँ ठीक 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 तक है। हाँ भेजे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 तक है। बहुत अजीब सा एक क्वेश्चन, रेसिस्टेंस वाला। बता देंगे, टेंशन हो जाती है। चलो, क्वेश्चन इतना हो रहा है तो ठीक है कि एक्सेस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, समझ में आता है पेपर से। तो फर्स्ट चैप्टर का तो लग रहा है पढ़ने ही नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए जो एलएन वाला न्यूमेरिकल भेजे हैं वो देखो देखो देखो, वो देखेगी तभी बनेगा पैकेज। हर तरह का क्वेश्चन उसमें मैंने डील करा है, हर तरह का, ऑल द टाइप। आज देख लेंगे शाम में, उसमें सारा तरह का क्वेश्चन है। अगर वो कमांड हो गया पैकेज का भूत भी बनेगा, ठीक है ना? अभी जैसे तुमको ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन हम ही बता दे रहे हैं, एक तरह से ठीक है। एलन वाला भी कोशिश करेंगे और भी, अगर उसका लेक्चर मिले अच्छा अच्छा हम तुमको भेजें, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में भी तुमको ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन हो गया है ना। तो बहुत क्वेश्चन करवाए इतना कि अब तुमको कुछ नया मिलेगा ही नहीं। हर टाइप का ट्रिक के साथ कुछ नया नहीं मिलेगा तुमको, हर चीज तुम्हारे हाथ में। अब तुम क्वेश्चन देखे तो तुमको सीधा आंसर याद आ जाएगा, अरे ये तो बनाए थे, यही आंसर होगा। ऐसे ही नीट निकलता है एक्चुअली। कब से वो क्वेश्चन ही करवा रहे? वही तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे ही एक्चुअली नीट निकलता है, क्योंकि खुद सोचो अभी 45 क्वेश्चन एक घंटे में करना है, नीट में इतना ही टाइम मिलेगा? पॉसिबल है? अगर कोई नया क्वेश्चन मिल जाए तो एक क्वेश्चन ही 5-7 मिनट खा जाएगा। और जैसा कट ऑफ जा रहा है इस हिसाब से जब तक 35-40 नहीं बनेगा तब तक कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग इंतजार करने का कि अच्छा पहले सॉल्व कर लेते फिर देखते हैं? नहीं कर सकते ना, ना? इसीलिए जरूरी है कि उस लेवल पे काम हो। आप लोग वाले में तो और जाएगा, इतना टाइम मिल गया। हम लोग वाले में 600 ऐसे ही थोड़े ना जा रहा है लास्ट 2 साल से। मेन बात है पढ़ ही नहीं पाते हैं, पढ़ाने में ही रह जाते हैं और कॉलेज की ही क्लास में अपना पढ़ेंगे तब तो कुछ होगा। रिमाइंड तो हमको भी करना ही पड़ता है सब कुछ, एक साथ पूरा सिलेबस दिमाग में हटाने के लिए पढ़ना पड़ता है। आपको भले ही आता हो सब कुछ बट फिर भी एक साथ दिमाग में नहीं होता कुछ भी, एक पढ़ो दूसरा मेरे दिमाग से भी निकलता है। ये अलग बात है कि हम एक बार देखते याद आ जाता है, लेकिन एक बार देखना तो पड़ेगा। आपको तो बायो में कितना याद रहता है, वही तो बोले सालों सालों का बात बोलते रहते। एक बार देखना तो पड़ेगा ही ना, फिर भी याद रहता है ठीक है बट देखना पड़ेगा। वो तो दो में पढ़ाते पढ़ाते याद आता है, अचानक से कोई पूछेगा तो हो सकता है मिस कर दे। जब किसी चैप्टर के डेप्थ में घुसे में तो आता है अच्छा ये भी कुछ पढ़े थे तो याद आ गया ठीक है। अभी अचानक से तुमसे पूछ दे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते, केवल हेडिंग बता दो तो याद आ जाएगा? नहीं। अच्छा एक बार किताब देख लेंगे तो हेडिंग कम से कम बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? यही बात है, यही बात है बस। आपको भी वैसे ही याद रहता है लेकिन एक बार देखना पड़ता है और उसको देख। बोन्स वाला ना चैप्टर था। हाँ, बोन, मसल, कार्टिलेज, स्कल, वर्टिब्री, बहुत कुछ पढ़े थे इसलिए बोल रहा हूँ। वही बात होता है, हमेशा प्रॉब्लम आएगा। खैर चलो देखो, एक मेटल वायर है, उसका लेंथ एल, रेसिस्टेंस आर। लेंथ एल, रेसिस्टेंस आर। अभी यहां खेल क्या हो गया ये देखो, ये रहा एल बाई टू, हाफ करा नहीं अभी हमने, हम बस इसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये हाफ हाफ लेंथ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिर्फ इसके हाफ को हमने यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करा है, ओनली हाफ ऑफ इट इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड।
और ऐसे स्ट्रेच करा सो दैट द टोटल लेंथ, सो दैट द टोटल लेंथ ऑफ वायर बिकेम बिकम 12. तो सिर्फ हाफ को, इस हाफ को तो हमने छुआ भी नहीं है, सिर्फ ओनली हाफ ऑफ इट इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड सो दैट द टोटल लेंथ ऑफ द वायर मींस द लेफ्ट हाफ पोर्शन एंड द पोर्शन विच वाज स्ट्रेच्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ पोर्शंस बिकम 12. अभी जरा सा कुछ सिंपल सिंपल आंसर देना, अगर इस टोटल का रेसिस्टेंस आर है तो इस हाफ का रेसिस्टेंस कितना होगा, और इस हाफ का भी रेसिस्टेंस आर बाई टू होगा इनिशियली होगा. अच्छा इसमें हमने कोई चेंज करा है क्या? नहीं. तो दिस इज कॉन्स्टेंट ना, ओनली दिस इज चेंज्ड, ओनली दिस इज चेंज्ड. और हम सब लोग जानते हैं कि ये 0.5 एल है ना, और इसको हमने स्ट्रेच करने के बाद कितना लंबा किया होगा कि ये दोनों मिलकर 2L हो गया. साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसको 1.5L हमने करा होगा. यही करा होगा ना. अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इसको हमने 1.5L करा तो ये सबको पता है R डैश इज एक्चुअली 12 का स्क्वायर, ये पता नहीं पता? जरा बताओ कितना टाइम, और ये हम लोग सिर्फ हाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओनली दिस हाफ के लिए. तो इनिशियल लेंथ था 0.5 और बाद में आपने स्ट्रेच करके उसका कितना लेंथ कर दिया, 1.5. मींस कि आपने कितना टाइम्स इंक्रीज करा है लेंथ को, 0.5 times 0.3 times 0.5 into 3 is 1.5 ना, इनिशियली 0.5 एल था और बाद में 1.5 एल. गेटिंग माई पॉइंट, ये क्लियर कर दूं दोबारा बताऊं? फिर से बताइए. पॉइंट इज कि ये वाला 0.5 एल है और ये वाला भी इनिशियली 0.5 एल है. इनिशियली इसको आपने कॉन्स्टेंट रखा और इस वाले 0.5 को, इस 0.5 को आपने कन्वर्ट करा 1.5 एल के लेंथ में, तभी तो ओवरऑल ये दोनों, ये वाला 0.5 और ये 1.5 मिलकर 2L बना. ठीक है यहाँ तक? हाँ. ठीक. तो आपने कितना टाइम्स करा है ये हाफ वाला, बस 2L हाँ. हुआ है. नहीं नहीं ये हाफ वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2L हुआ है, बट हमने खींचा सिर्फ इसको आधे वाले पार्ट को, मतलब आधा लेंथ तो पहले से कांस्टेंट ही था ना, 0.5L तो पहले से रहा कांस्टेंट, बाकी 0.5L को हमने खींच कर इतना लंबा कर दिया कि दोनों को मिलाने पे 2L हो जाए. तो 0.5L तो पहले से था, मतलब इस हाफ पार्ट को कितना खींचा, तो 1.5L करा होगा, तभी तो 1.5L और ये 0.5L मिलकर बना 2L. मतलब ये कि ये तो 0.5L फिक्स ही है और बाकी के लेंथ को हमने, बाकी के लेंथ को हमने स्ट्रेच करा और ये हुआ होगा 1.5L, तभी तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हुआ. अच्छा हाँ अभी ठीक है. अब आगे देखो, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 1.5. 0.5 को हम 3 टाइम्स करा तो ये हो गया 1.5L. अभी देखना, ये वाला इक्वेशन हमें पता है, इनिशियली 0.5 था, मतलब इनिशियली L by 2 था और अभी आपने क्या कितना कर दिया उसे, 1.5 का स्क्वायर गुना L by 2 करा, नहीं करा? मतलब ये 1.5 का स्क्वायर को एक काम करते हैं, 1.5 क्यों बोल रहा हूँ, 3 टाइम्स करा ना हमने, यही तो गलती, कितने टाइम्स करा, तो 3 टाइम्स करा हमने, 1.5 टाइम्स नहीं करा. पहले 0.5 एल था, अगर ये एल होता तो ये 1.5 टाइम्स होता, लेकिन ये चूंकि 0.5 एल है आधा, तो आधा का तिगुना होता है 1.5 होगा, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9L by 2, मतलब कितना टाइम्स,
यही दिक्कत हो रहा है, अगर माइक्रोसॉफ्ट वाला होता ना बोर्ड तो वहां पे आराम से क्लियर करते, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते और काम करते, ठीक है बेटा, कहीं जगह तो निकालते वही तो वाला कीजिए। वहां पे तुमको मेरा पेन नहीं दिखेगा ना। तो क्या हो गया, लिखिएगा वो दिखेगा ना। लेकिन उससे ज्यादा जहां समझ में आएगा। अभी देखो 0.5L पहले था, आपने बाद में हाँ इसको 1.5L करा, मतलब आपने 3 टाइम्स बढ़ाया है। कितना टाइम्स बढ़ाया है ये समझ में आ रहा है? 0.5L को जी आपने जो वन हाँ पॉइंट फाइव हाँ में कन्वर्ट करा। अच्छा, R डैश इज डायरेक्टली टू L का स्क्वायर। स्क्वायर ये L, इनिशियल L कितना जरा बताओ, L/2 है देखो, हाँ 0.5 तो मतलब R डैश इज डायरेक्टली टू कितना टाइम्स हुआ जी ये बताओ, 3 times यही हुआ है। ये तो L स्क्वायर था, इसको बांध दो तो इसका स्क्वायर होगा, यही किया है ना हमने। बोलो L का स्क्वायर तो ये कितना हुआ, 9 × L/2 मतलब कितना, 4.5 L तो अगर L नहीं R लिखेंगे, R इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये रेसिस्टेंस का बात हमें करना है, जो फर्क यहाँ पड़ा वही फर्क R पे पड़ेगा, तो R डैश कितना आएगा, 4.5 × R। बोलो हाँ अभी ये बताओ कि 4.5 R रेसिस्टेंस किसका हो गया, ये सेकंड वाले का इस हाफ पार्ट का, इसका 0.5 तो हमेशा से कांस्टेंट था, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना। 4.5 0.5 अभी ठीक है, R हाँ ठीक, चलो अब हटाऊं अगला, आगे चलो, अभी भी दिक्कत है तो बोल दो। ओके यहाँ पे एल स्क्वायर क्यों नहीं लिए? L स्क्वायर लेंगे अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ये L ये स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, तो चेंज कुछ हुआ ही नहीं। प्रोपोर्शनलिटी में हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कितना गुना हुआ यही तो देख रहे होते हैं, अच्छा हाँ ठीक ठीक है। हम्म। नेक्स्ट इज कलर कोडिंग, सबसे सिंपल टॉपिक है कलर कोडिंग, बहुत सिंपल है। इसके बाद आई गेस की सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको समझाने का जरूरत नहीं है ना, उसके बाद जो भी रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा ये सब सिंपल सिंपल होगा, जिसमें दिक्कत होगा बस उसी का बात करेंगे हम, तुमको वैसे हर टाइप भेज देंगे नोट्स के साथ। कलर कोडिंग, तुम अगर नोटिस करोगे तो किसी भी वायर पे चार तरह का कोडिंग होता है, चार तरह का कोडिंग, ग्रीन ऐसा कुछ, जिसमें से पहला वाला कलर नंबर बताता है, दूसरा कलर भी नंबर बताता है, तीसरा कलर मल्टीप्लायर बताता है, और चौथा कलर इसको बोलते हैं टॉलरेंस, कितना का फ्लक्चुएशन ये टॉलरेट कर सकता है हमारे। और कलर कोड क्या होता है ये देखो, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इसका एक्चुअल ट्रिक था बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, याद रहेगा, लेकिन इसमें ऑफ का कोई मतलब नहीं और हैज का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सिंपल कर दिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन गुड, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड हैज वेरी वाइफ गुड वाइफ होता है, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी, हैज का तो कोई मतलब नहीं, गुड वाइफ। पहला कलर इज ब्लैक जो सबसे डार्क है, देन कम्स द ब्राउन, आर से तो रेड होगा, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, अच्छा जी और जी दो जगह आया है, तो पहला वाला जी ग्रीन है और दूसरा वाला जी ग्रे है, और उसी तरह बी देखो 3 बार आया, ब्लू ब्लैक और सॉरी ब्लू सॉरी ब्लैक ब्राउन और ब्लू, जी जो जी दो बार कहाँ ग्रेट ब्रिटेन और गुड, तो है? अच्छा हाँ पहला वाला ग्रीन है और दूसरा वाला ग्रे है, ठीक है।
अब मान लो पहला वाला कलर आपको दिया हुआ है येलो, जो कि अगला क्वेश्चन है उसी को डील कर रहा हूँ। दूसरा कलर आपको दिया हुआ है वॉयलेट, तीसरा कलर, अच्छा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा दो तीन और है, इसके अलावा गोल्ड का याद रखिए, गोल्ड का होता है प्लस माइनस 5%, सिल्वर का होता है प्लस माइनस 10%, और कोई कलर ना हो, अगर मान लो चौथा जगह के जगह पे कोई कलर ना हो तो नो कलर का मतलब होता है 20% प्लस माइनस में, ठीक है। तो अभी देखो ये वॉयलेट है, तीसरा वाला जो कलर है ये है तुम्हारा ब्राउन, और चौथा वाला गोल्ड। तो पहला येलो, येलो के लिए नंबर देखो कौन सा है, अच्छा नंबर कैसे शुरू होता है, नंबर होता है जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो से शुरू होता है, ये भी ध्यान रखना है। दो बार ब्लैक ब्राउन ब्लू कलर सेटिंग पे, और दूसरा ग्रीन ग्रे, बाकी सब तो ट्रिक से याद है ना। तीसरी बात, नंबर का स्टार्टिंग जीरो से होता है, तो येलो इज 4, तो सबसे पहले लिख दिया 4, देन वॉयलेट, वॉयलेट इज 7, 4, 7। अच्छा अभी जरा इसका मल्टीप्लायर देखो, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तीसरा कलर कौन सा है, ब्राउन, ब्राउन के लिए वैल्यू देखो 1, 1, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होता है 10^1 से। ये 10 कांस्टेंट है, ये 10 कांस्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे तीसरा कलर अगर ऑरेंज होता ना, तीसरा कलर अगर ऑरेंज होता तो यहाँ क्या लिखते, 4 के बाद 5 ग्रीन, नहीं वो जो लिखे हैं 4 प्लस माइनस क्या, यहाँ कॉपी में 4, 7 बस ऐसे ही लिखना है। हाँ 4, 7 देखो साथ साथ तो लिखे एक साथ। उसके बाद फिर जैसे मान लो यहाँ पे ब्राउन के बदले ऑरेंज होता, तो ऑरेंज का कलर कौन सा, देखो नंबर 3, तो यहाँ वैल्यू होता 10^3। क्या नंबर वैल्यू होता, 10^3। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चूंकि ब्राउन था आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ वैल्यू 1 हुआ। प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड का कितना होता है 5%। तो देखो आंसर कितना आया, 4, 7 × 10 मतलब 470 प्लस माइनस 5 हो गया, कोई दिक्कत। चलो आज इतने पे ही छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद तो अब स्टार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी में डील हो गया। कलर से कोडिंग से बहुत क्वेश्चन आता है लगातार, 2-3 साल से आ रहा है हर साल, जो कि बहुत सिंपल है। देख रहे हो, बस एक ट्रिक याद है, ट्रिक का दो बात याद है तो सारा काम खत्म। अगले क्लास में सीरीज पैरेलल को हम डिराइव नहीं करेंगे, उसका जो मेन मेन पॉइंट है वो बता देंगे, और फिर न्यूमेरिकल सीधा डील करेंगे, ठीक है। ठीक है।